बदलते भारत की शान। आसान होते जा रहे हैं परिवार नियोजन के साधन, जैसे नया MPA इंजेक्शन। फोन करें और पाएं परिवार नियोजन से जुड़ी हर जानकारी। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के खेती किसानी सेगमेंट में कुछ ऐसी खास जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके। तो क्या हैं वो जानकारियां, आइए डालते हैं नजर। 2009 में मैंने प्राकृतिक खेती शोध संस्था एक संस्था बनाई 100 किसानों के साथ मिलकर, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, ऐसे 4 जिलों के किसानों के साथ मिलके, और 2015 तक प्राकृतिक खेती यानी बिना जुताई की खेती कैसे करना, वहाँ तक के लिए मैंने ये सब जो है एक प्रकार का अध्ययन एवं शोध किया। मुझे अध्ययन और शोध करते समय उस समय अभी के प्रचलित जो जैविक खेती के जो मॉडल हैं वो तो मैंने प्रयोग किए, लेकिन मुझे वृक्षायुर्वेद और श्रीमद् भगवद गीता से खेती के कुछ सूक्त मिले। वृक्षायुर्वेद में खेती के लगभग 150 फार्मूले ये मिले, इनके आधार पर हमने काम किया और काम करके कुछ मूलभूत सिद्धांत हमने जैविक खेती के बनाए। वो मूलभूत सिद्धांत क्या है उसको समझिए, क्योंकि इसको समझे बगैर हम ठीक से खेती कर नहीं सकते। जैविक खेती का मूल सिद्धांत है जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव को जीवन देता है। कोई जीव ही किसी भी पौधे को हो चाहे हमको हो, हमारे किसी भी अंग को हो या पौधे के किसी भी अंग को हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, पोटास हो, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो, या पौधों की सुरक्षा करने की बात हो, जीव ही उनको जो है भोजन देता है और सुरक्षा करता है। तो ये जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया कैसे पूरी हो इसका हमने अध्ययन करना शुरू किया। तो जो है हमें पता लगा कि मिट्टी के अंदर 3 करोड़ बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरस है। कौन से हैं? एजोटोबैक्टर हैं, एजोस्पिरुलम है, राइजोबियम जो हवा से नाइट्रोजन लेके जड़ के द्वारा पौधे को देते हैं। फास्फोरस है जो मिट्टी के फास्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट करके फास्फोरस सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया ये जो है अवेलेबल फॉर्म में फास्फोरस देता है, पोटास देता है। और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास जैसे जीव इसकी सुरक्षा भी करते हैं, मेटारिजियम वर्टिसिलियम जैसे जीव सुरक्षा भी करते हैं। ऐसी सारी जानकारी लगी तो हमने तो ये सारे जीवाणु पहले कल्चर खरीदे, लेकिन बाद में जब मुझे 2012 में पता लगा कि ये सारे जीवाणु तो हमारे सजीव जल, पंचगव्य, अमृत जल के अंदर आ रहे हैं, तब हमने फिर इनको खरीदना भी बंद किया और व्यापक तौर पर हमने इसको ज़मीन पर डालना शुरू किया। जब हमने व्यापक तौर पर डाला तब हमको जो है छोटी छोटी और एक दो दिक्कत आई, वो है pH की और कार्बन की। यदि मिट्टी में कार्बन नहीं है तो ये बैक्टीरिया ठीक से वहाँ एस्टेब्लिश नहीं होंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कार्बन बढ़ाने के लिए मक्के की खेती की और मक्के को रोटावेटर से ज़मीन में दबा दिया, 2-3 बार किया तो कार्बन हमारा लगभग 0.1 से 1.5 के आसपास, 0.85 के आसपास आ गया, कार्बन अच्छा हो गया हमारा। पीएच, अगर हमें पीएच की भी बीच में दिक्कत आई तो हमने पीएच के लिए तमाम कि कैसे मिट्टी का पीएच ठीक करें, तब हमें जो है ये जानकारी मिली कि तुलसी जो है लगाने से मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है। क्योंकि तुलसी क्या होता है, जो बहुत एल्कलाइन है उसको जो है ऊपर लेके आता है और जो एसिटिक है उसको
वापस साथ में लेके आता है। तो चाहे मिट्टी अल्कलाइन हो चाहे एसिटिक हो, तुलसी उसको ठीक कर देगी। तो कार्बन और तुलसी अगर हमारे खेत में हो गए और आपने अगर 5000 लीटर पंचगव्य डाल दिया 1% का घोल, फिर बाद में हमें डीकम्पोजर भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी हमने डालना शुरू किया। इसके डालने से हमारे खेती में जीवाणु बढ़ने लगे। जीवाणु बढ़ने में एक और छोटी सी समस्या हमारे बीच में आई, वो है नकारात्मकता की। जैसे अगर मिट्टी के अंदर नकारात्मक जो है एक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति यानी जैसे दुर्गंध जहाँ आएगा, जैसे शहर का नाला जो होगा, अगर वहाँ दुर्गंध आएगा तो अच्छा जीव वहाँ पल ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं। क्यों? दुर्गंध है, नकारात्मक एनर्जी वहाँ सक्रिय है। तो सुगंध में पलने वाला जीव नहीं पल सकता, जैसे हमारा एजोस्पर्म, एजोटोबैक्टर, जैसे लैक्टोबेसिस जो दही का बैक्टीरिया है ना, वो सुगंध में पलता है, दुर्गंध में नहीं पलता। ये एक और हमारे पास समस्या आई। इसके समाधान के लिए भी मैंने काफ़ी जो है प्रयास किया, सीएसए में डॉक्टर आमाश्रय मिश्र और भी ऐसे वैज्ञानिकों से मिला, तो ध्यान में आया कि अग्निहोत्र एक ऐसी प्रक्रिया है और अथर्ववेद में इसका उल्लेख भी है कि गंध चिकित्सा, मतलब एक गंध करना, हवन करना, इसके द्वारा जो है सुगंध बढ़ेगा और ये जीवाणु भी बढ़ेंगे। तो वो जब प्रक्रिया मिला तो मैंने इस पर एक वर्ष पूरा काम किया, अग्निहोत्र करके कैसे मिट्टी की दुर्गंध को ख़त्म करना, मिट्टी की जो दुर्गंध वाली इकोलॉजी उसको ख़त्म करना। तो अग्निहोत्र करो खेत के मध्य में और इसका भस्म खेत में ही डालो, जिसको एक्टिवेट चारकोल कहते हैं। अब हमारे पास समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मित्र जीवाणु को बढ़ाने की, कि जो भी समस्या थी अब मित्र जीवाणु हमारे बढ़ने शुरू हो गए। तो अभी हमने डाला 5000 लीटर पंचगव्य, ठीक है ना। पंचगव्य जो नहीं बना सकता तो सजीव जल बना ले, सजीव जल नहीं बना सकता तो अमृत जल बना ले, ऐसा जो है जिसके पास जो साधन है उस साधन के माध्यम से कर। अब ये अमृत जल, सजीव जल, पंचगव्य में बेसिक क्या है, गोबर में गुड़ मिलाना। जैसे गोबर में गुड़ मिलाएंगे, मित्र जो है जीवाणु के आने की, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तुरंत दुर्गंध खत्म हो जाता है तुरंत। और उसके बाद जो है उसमें पानी मिला दिए, 200 लीटर पानी में घोल लिए, दो दिन हमने रखा, उसमें एक सुगंध विकसित होगा, इसको खेत में डालना। मतलब दुर्गंध की कोई भी चीज़ खेत में जाएगा तो मित्र जीवाणु विकसित नहीं होंगे। जैसे आपको बताया कि शहर के नाली में लैक्टोबेसिस का बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो सकता। मिट्टी में जो खुशबू आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज से आती है। अब देखिए लगातार मैं कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां गनीवा में रहा चित्रकूट के, फिर देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के साथ रहा, केमिकल वाले भी और बायोलॉजिकल वाले भी, समझने के लिए रहा मैं इसी काम को 2005 से 2016 तक इसी काम को करने के लिए देश भर में घूमा, तब जाके मुझे सब पता लगा। तो लैक्टोबेसिस जहां बैक्टीरिया होगा वहां पर सफ़ेद केचू आएगा, मिट्टी खाने वाला, जो ऊपर की मिट्टी को खा के नीचे छोड़ता है, नीचे की मिट्टी खा के ऊपर छोड़ता है। ये सुगंध को खाने, सुगंध वाली मिट्टी को खाने वाला केचुआ है। अभी अभी देश भर में दुर्गंध के गोबर को खाने वाला केचुआ देश भर में आएगा, लाल मुंडी का, जिसको एपिजेइक केचुआ बोलते हैं। ये केचुआ हमारे काम का नहीं, हमारे लिए इंडोजेइक केचुआ काम का, जो मिट्टी को खाता है। तो मिट्टी को खाने वाला केचुआ भी हमारे खेत में आ गया, मतलब हमारे खेत में नकारात्मक शक्ति समाप्त हो गई। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए पशुपालन के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको पशुपालन में सहायता मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ भी उससे प्राप्त कर सकें। तो आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में क्या है खास आपके लिए, आइए डालते हैं नजर। खाने के लिए इसकी फीड जो आती है मार्केट में, वही आपका शुरू में आपको प्री स्टार्टर, फ्री स्टार्टर और फिर बाद में फिनिशर देना होता है। ये लेगहॉर्न जो ब्रीड है अपने आप में अंडों के लिए फेमस है। ये अंडे, सबसे ज़्यादा अंडे ये मुर्गी देती है और बहुत ही, ये मतलब ये भी अपने खाने का जो सिस्टम है खुद ही बड़े एक्टिव बर्ड होता है। आपने कभी कोई ब्रॉयलर बर्ड फार्म में गए होंगे तो ये इतना इस तरह से इतना एक्टिव नहीं होता है, वो खाता है धप से बैठ जाता है। ये देखिए, ये बहुत एक्टिव है और स्ट्रॉन्ग है, इसकी फ़ायदे भी बहुत हैं इसके अंडे के। चूजे से बड़े होने में, अंडे आने में करीब करीब इसको सर 4-4.5 महीने में ये तैयार हो जाता है ये अंडा देने के लिए। और ये अंडे के लिए भी होता है, अंडा देना बंद करेगा तो ये मीट में बिक जाता है। एक चूजा बड़ा होने में 4-4.5 महीने लगते हैं, 4-4.5 महीने बाद वो अंडा देना चालू कर देता है। एक मुर्गी लगभग 25 अंडे देती है एक महीने में, ये लगभग 3 महीने तक देती है, फिर 15 दिन का गैप लेती है, फिर देना चालू। इसको देसी मुर्गा बोलते हैं और ये 500 रुपये का सेल करते हैं। सफाई में इनके एक तो पर निकलते हैं, ये नहीं होने चाहिए अंदर। दूसरा, इसके अंदर झाड़ू लगनी चाहिए, बीट जो होती है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहते हैं, इसको हम जो बरूदा डाला हुआ है नीचे उसको रिफ्रेश करते रहते हैं। युवाओं के लिए सर मेरा वही संदेश है कि अगर कोई किसी का सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, जबरदस्ती ना आए। अगर किसी को स्मेल आती है, क्योंकि फार्म है तो उसमें थोड़ा सा आदमी को मेहनत करनी होगी। और कभी भी आप ये समझ लीजिए आपके यहाँ आदमी नहीं है काम करने वाले, तो आप खुद को भी अगर पानी भरना है या कुछ कोई चीज़ है और आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्ट अगर बना होगा तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेस करोगे। और खेती से किसी भी प्रकार से आप इसमें आपको मज़ा भी आएगा काम करने के साथ साथ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। और जिस चीज़ में कहते हैं कि ऑलवेज लव योर जॉब, नेवर लव योर कंपनी, बिकॉज यू नेवर नो वैन योर कंपनी विल स्टॉप लविंग यू। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप काम करो उसे अपने दिल से करो, मेहनत से करो और डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने पशुपालन के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हासिल की, आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी को ये ज्ञात है कि देश के काफ़ी हिस्सों में इस वक्त झमाझम बरसात हो रही है और बरसात के इस मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस मौसम में कैसे आपने करनी है अपने पशुओं की देखभाल, आइए जानते हैं पशुपालक कैलेंडर में। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें, बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखें। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30-40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है।
इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोग ग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, कामयाब किसान वही होता है जो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करता है और बिना किसी महत्वाकांक्षा के लगातार परिश्रम करता रहता है, और जब उसके परिश्रम का फल उसके सामने आता है तो वो लाभकारी ही होता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना नाम कामयाब किसान की सूची में दर्ज करवाया है और आज दूसरे किसान भाई बहनों के लिए भी मिसाल बने हैं। सहारनपुर के रहने वाले भाई अजय कुमार सैनी ने मधुमक्खी पालन कर अपनी आय को बढ़ाया, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया तथा सरकार के साथ मिलकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दिया। मैं जब पढ़ता था 1990 में बीएससी एग्रीकल्चर में, तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों ने कीट विज्ञान में पढ़ा था, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। तो क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ तो हम लोगों ने उसमें रेशम कीट पालन, लाख और मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो तभी मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग मधुमक्खी पालन को, कुछ दूसरे देशों में जैसे मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, वहाँ के बारे में पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मधुमक्खी पालन शुरू किया है। तो मैं 2 बॉक्स लेकर के आया और 2 बॉक्स से मैंने शुरू किया। उद्यान विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया 1.5 महीने का, और उसके बाद 2 बी हाइव से मैंने शुरू किया मधुमक्खी पालन। बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनसे मिला, तो पहले साल में ही लगभग हम लोगों ने 2 बी हाइव से करीब 40-45 किलो शहद निकाला, तो हौसला बढ़ा। तो मैंने अपने और साथियों को उससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे मधुमक्खी पालन मैंने किया तो इतना शहद निकला है, तो साथी लोग भी प्रेरित हुए। तो फिर हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग से संपर्क किया उत्तर प्रदेश से, तो DRDA के माध्यम से तब ट्राइसेम योजना में ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें हम लोगों ने अपने 18-20 लोगों को इकट्ठा करके और परियोजना निदेशक के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया मधुमक्खी पालन में। सभी लोगों ने उनमें से मधुमक्खी पालन शुरू किया। IRDP स्कीम में उनको 19,000 का लोन मिला और ऐसे करके ये यात्रा चल पड़ी। 92 में ये शुरू हुआ, 94 में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे संस्थान का भ्रमण किया, तो हमें पूरे भारतवर्ष में, उस समय कृषि मंत्रालय की योजना थी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास, इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हमारा चयन किया गया कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी किसी भी राज्य में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत।
तब से लगातार हम लोगों को प्रशिक्षित करते रहे और उसके बाद फिर नेशनल बी बोर्ड बना कृषि मंत्रालय का। नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जो है नॉर्थ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही नेशनल बी बोर्ड के कार्यक्रम जब शुरू हुए तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें किसानों का आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। तो जो मधुमक्खी पालक किसी भी राज्य के हों, भारत के निवासी हों, किसी भी राज्य के हों, वो नेशनल बी बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। ये राज्यवार ट्रेनिंग होती है, स्टेट वाइज ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने मुफ्त की है भारत सरकार के सहयोग से। जितने भी बी बॉक्सेस हैं, कॉम फाउंडेशन शीट है, जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयुक्त होते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं। हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, और बल्कि दूर दूर से भी, दूसरे राज्यों से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारे यहाँ किसान मधुमक्खी पालक प्रशिक्षण लेने भी आते हैं, सामान लेने भी आते हैं। तो उनको हम लोग गाइड भी करते हैं। 24 आवर्स हमारा मोबाइल भी खुला रहता है, किसी को मधुमक्खी पालन संबंधित कोई दिक्कत हो उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए 24 आवर्स हम लोग तत्पर रहते हैं और उसका निराकरण करते हैं। किसी के सामने बीमारी कोई आई है, कोई मार्गेशन संबंधित दिक्कत है, तो इस तरह की सारी दिक्कतें हम लोग मधुमक्खी पालक की दूर करते हैं। अब जो नए किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करीब भारत सरकार की जो योजना है उसमें 50 बॉक्स की जो एक यूनिट है वो 2,28,000 रुपये की कीमत होती है उसकी। उसमें 40% सरकार की ओर से अनुदान मिलता है 88,000 रुपये, और वो किसान के जो मधुमक्खी पालक है उसके खाते में सीधा ट्रांसफ़र होता है, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। और वो 2,28,000 रुपये का सामान, मतलब 88,000 रुपये सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो जो बाकी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट जमा करके वो 2,28,000 का प्रोजेक्ट से शुरू कर सकता है। और वैसे वाइबल यूनिट हम लोग मानते हैं कि लगभग 100 बॉक्सेज की होती है, तो इससे दूसरे साल में, क्योंकि मधुमक्खी के साथ जब शहद मिलता है तो मधुमक्खियाँ भी बढ़ती हैं, तो एक साल के बाद 100 बॉक्सेज जाते हैं। तो 100 बॉक्सेज से ये मानते हैं हम कि 2,00,000 रुपये का फ़ायदा, 100 बॉक्स से 2,00,000 रुपये का फ़ायदा किसान को सारे खर्चे निकाल करके हो जाता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।